इस साल की 8 नवंबर को भीष्म पंचक है। इस दिन का क्या इतिहास है और कैसे मनाना चाहिए यह दिन, आइए समझते हैं अपने प्यारे गुरुदेव श्री आशाराम जी बापू से। दिवाली के बाद की जो एकादशी है कार्तिक का महीना, आसो महीना, कार्तिक महीने में भीष्म पंचक का महत्व है। अष्ट वसुओं में से एक वसु भीष्म पितामह के रूप में आए थे और वचन दिया था कि स्त्री आएगी तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगले जन्म का जो स्त्री थी वो श्रीखंडी के रूप में बाण लेकर आया। भीष्म ने अपने वचन के अनुसार पीठ दे दी, उन्होंने बाण मारे, बाण मारता गया, वो सहते गए और ढल पड़े। लेकिन इच्छा मृत्यु थी तो ढल पड़े, लेटे रहे। जब अर्जुन और युधिष्ठिर उनसे मिलने गए तो भीष्म ने कहा मुझे प्यास लगी, तो अर्जुन ने मंत्र बल से भूमध्य में अनुसंधान करके धरती पर तीर मारा, गंगा जी का आह्वान किया तो गंगा जी की पानी की धारा, जल की धारा बही, उनके मुंह में आई। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जिस ब्रह्मचारी ने, संयमी पुरुष ने पिता की प्रसन्नता के लिए इतना बलिदान दिया और अपना कर्तव्य निभाते निभाते वचन की पैरवी करते करते इस नश्वर शरीर को नश्वर मानते हुए आत्म ज्योति का अनुसंधान करते और बुद्धि भगवान को समर्पित करते, जिनको संतान नहीं होती हो वो अर्घ्य दे, सत्यव्रताय शुचाय गंगाया महात्मने भीष्म यदित तद्म अर्घ्यम। आजन्म ब्रह्मचारी ने ये संस्कृत स्कंद पुराण का श्लोक न बोल सके तो ये भावना करें कि आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूं। गंगा पुत्र सत्यपरायण भीष्म जी को मैं ये अर्घ्य देता हूं। ऐसा करके अर्घ्य दे और उन दिनों में दूध पर रहे, दोपहर को फल खाए, कंदमूल खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें अथवा शाकाहार रहे तो ये भीष्म पंचक के प्रताप से उन्हें अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं होगा भगवान ने वरदान दिया भीष्म पर प्रसन्न होकर।